किसी ने कहा है, शेयर मार्केट शादी की लड्डू की तरह है। जो उसमें पैसा लगाया है वो पछताया है, और जो नहीं लगाया है वो भी पछताया है। वॉरेन बफे ने कहा है, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री ए लॉन्ग टाइम से। मैं रमाकांत साहू, स्टॉक ट्रेडर, बहुत दिन से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज मैं आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा, क्या होता है शेयर मार्केट और हम उसको और वहाँ से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। शेयर मार्केट को कोई जुआ बोलता है, कोई सट्टा बोलता है, लेकिन शेयर मार्केट एक विशालकाय समुद्र है। उसमें अरब अरब रुपया है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। इंडिया में लगभग 5% लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यूएसए में 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं होता है, कोई सट्टा नहीं होता है। क्या है शेयर मार्केट? पहले आइए जानते हैं, हम प्राइमरी मार्केट में बारे में जानेंगे क्या होता है मार्केट। मार्केट तो हर जगह मिलेगा। हम मार्केट क्यों जाते हैं? मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, फल मूल खरीदने के लिए, जरूरत सामान खरीदने के लिए। क्यों खरीदने के लिए? हमारा नीडी, वो चीज हमारा आवश्यकता है, इसलिए हम उसको मार्केट से खरीदते हैं। ये जनरली मार्केट होता है। हम वहाँ से लाते हैं, हमारा जो यूज होता है हम करते हैं। उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसमें हमें कोई फायदा नहीं होता है। बस फायदा उतना होता है हम मूल चाल करके लाते हैं, दो पैसा प्रॉफिट मिलता है। अगर मार्केट में कोई चीज़ 10 रुपया है, हम उसको मूल चाल करके 9 रुपया 8 रुपया में ले आए, तो ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन हम उसको यूज कर देते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आप सोचिए, जो चीज हम मार्केट से लाते हैं, वही चीज को जो व्यापारी होता है वो मंडी से लाता है। बड़ा अमाउंट से वो मंडी से लाता है। जो चीज को वो 30 रुपया में खरीदता है, उसको वो 35 में बिकता है, 40 में बिकता है और 50 में बिकता है। क्यों बिकता है? उसको 2 पैसा प्रॉफिट के कारण। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको, बस शेयर मार्केट एक बिजनेस है, वहां से भी आपको मुनाफा होगा। तो ये जानते हैं, जनरल मार्केट में और जनरल मार्केट को लेके हम शेयर मार्केट के साथ कैसे तुलना करेंगे? देखिए, आप बाजार से टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट। कभी कभी टमाटर का भाव 20-30 रुपया से 50-60 रुपया हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर उसका सप्लाई, मतलब जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां पर अगर कम प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको खाने वाले ज्यादा लोग आ गए, तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। अगर वही चीज ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और खाने के लिए लोग कम हो गए, तो उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। और एक चीज बताता हूं, अगर व्यापारी ने टमाटर को मंडी से खरीद के लाया,
चाहे वो 20 रुपया में खरीद के लाएगा, लेकिन मार्केट में उसका डिमांड नहीं रहा, उसका सेल नहीं होगा, तो क्या होगा? वो पड़ा रहेगा और वो खराब हो जाएगा। जो 20 रुपए में खरीद के लाया था वो उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो व्यापारी क्या समझेगा, भाई मुझे 20 रुपया के जगह 18 रुपया 17 रुपया में बेचना पड़े तो मैं बेच दूं, क्योंकि मुझे कुछ तो मिलेगा। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे हमको मुनाफा होता है हम उसको बेच देते हैं। आइए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं शेयर मार्केट के बारे में, वहां से आपको बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। उसमें आप शेयर मार्केट का बारे में एक बढ़िया इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कहानी ऐसा है, एक व्यक्ति नौकरी से रिटायर किया, उनका दो बेटे थे, एक था अतुल दूसरा था मुकेश। रिटायर के बाद वो व्यक्ति क्या किया, अतुल को 50,000 और मुकेश को 50,000 दे दिया। बोला देखो मैं तो रिटायर हो गया हूं और ये पैसा को तुम दोनों आधा आधा लो, अपना कुछ करना है तो करो, ये मान के चलो मेरे एक गिफ्ट है। मुकेश ने क्या किया, वो पैसा को लेके एक बाइक खरीद लिया। अतुल ने क्या किया, अतुल थोड़ा जानकारी था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, मुकेश भी पढ़ा लिखा था, लेकिन मुकेश थोड़ा शौकीन वाला था, अतुल थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। अतुल ने क्या किया, स्टॉक मार्केट से एक कंपनी का कुछ शेयर खरीद लिया। 8-10 साल के बाद देखा गया कि मुकेश जो बाइक खरीदा था उसका वैल्यू और बाजार दर आज 12,000 रुपया है, और अतुल जो पैसा को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था वो आज 1 करोड़ है। तो सोचिए शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है और शेयर मार्केट आपको भी कंगाल भी कर सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा नहीं पाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, बहुत यंग रातों रात करोड़पति बनने के लिए शेयर मार्केट में घुस जाते हैं और पूरा लॉस करके जाते हैं। पैसा ऐसे नहीं बनता है। आप सोचिए एक बच्चे जन्म होने के बाद उसका लालन पालन भरण पोषण उसका एजुकेशन देने के बाद वो कुछ बनता है और कमाई करता है। एक पेड़ को आप पानी सार खाद वो सब देंगे तभी वो बड़ा होगा और 8-10 साल के बाद वो आपको फल देगा। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहां पर बैंक में आपको 5-7% सालाना ब्याज देता है, शेयर मार्केट आपको सालाना 200-400% बा 400 गुना भी पैसा देगा, लेकिन उसके बारे में आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। ये जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसका उत्पत्ति बॉम्बे से हुआ था, इंडिया स्टॉक मार्केट का। इसका दो एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई। हम जो शेयर खरीदते हैं वो एनएसई या बीएसई माध्यम से खरीदते हैं। तो शेयर क्यों हम खरीदते हैं और शेयर कहां से आता है? देखिए शेयर, मैं आपको एक तो छोटा सा
एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक कंपनी है जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसका वो देख रहा है उसका बाइक का जो सेलिंग है धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है और बढ़ रहा है। तो उनका जो मालिक है या तो वो कंपनी में जितना मालिक और इन्वेस्टर है या प्रमोटर है, प्रमोटर किसको बोलते हैं, जो मालिक होते हैं जो कंपनी बनाया है, वो सोचे कि हम हमारा कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इसको सारा देश में सेल करेंगे या इंडिया के बाहर में भी सेल करेंगे। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे। कंपनी क्या करता है, उतना पूंजी के लिए शेयर बेचता है। वो जो शेयर बेचता है गवर्नमेंट के माध्यम से, NSE या BSE उन्हीं के माध्यम से बेचता है, और जो शेयर को खरीदते हैं वो कंपनी का एक अंशीदार होता है या तो मालिक होता है। अगर कंपनी आगे बढ़ेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, जो वो शेयर खरीदे हैं उनको प्रॉफिट होगा। देखा जाए तो ऐसे छोटा छोटा कंपनी है जिसका शेयर का दाम 10 रुपया था, आज वो 300 रुपया हो गया है 1-2 साल के अंदर, और वो पैसा को लेके कंपनी उसका बिजनेस एक्सप्लेंडेशन करेगा। जैसे उसका बिजनेस बढ़ते जाएगा कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या करेगा, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको उसका प्रॉफिट देगा। हम जो शेयर खरीदते हैं वही 2 रुपया का शेयर या 10 रुपया का शेयर हो सकता है हमारा 50 रुपया हो सकता है या तो 500 रुपया हो सकता है। जैसे कंपनी का डेवलपमेंट होगा, शेयर मार्केट में ज़्यादा भाव में बेचेंगे तभी हमको क्या होगा ना, प्रॉफिट होगा। ये है शेयर मार्केट का बेसिक। और वो जो शेयर आएगा वो स्पेशली IPO के माध्यम से आएगा। अगर हमको कंपनी से वो शेयर से प्रॉफिट मिल रहा है, हम उसको होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमको प्रॉफिट आ गया हम उसको बेच देते हैं। अगर हमको लॉस हुआ, शेयर में गिरावट आया, हम भी उसको बेच देते हैं लेकिन हमको लॉस मिलेगा। ये शेयर मार्केट का बेसिक चीज होता है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और उसको बिजनेस के तरह लेना है तो इसके लिए आपको फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए। तो फंडामेंटल ज्ञान बहुत तरह का होता है। जब हम शेयर खरीदते हैं कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी 3 तरह का होता है जनरली। एक होता है लार्ज कैप, मतलब लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी। दूसरा होता है मीडियम कैप, यानी मीडियम कैपिटलाइजेशन कंपनी। तीसरा है स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी। कंपनी का स्ट्रक्चर या कंपनी का कैटेगरी 3 टाइप्स का होता है। लार्ज कैप में क्या होता है, आपका रिस्क कम होता है और रिवार्ड भी कम होता है, प्रॉफिट कम मिलता है। मीडियम कैप में आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा है। और स्मॉल कैप में आपका ज्यादा रिस्क है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में क्या होता है ना, 2 रुपया का चीज 1 साल के अंदर भी 400 गुना हो सकता है, 200 गुना हो सकता है, और वही 2 रुपया चीज भी आपका शेयर 0 हो सकता है। तो जब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल देख के आपको शेयर खरीदना है। कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत सारा है, हम आगे उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे।
जो बेसिक चीज होता है शेयर मार्केट का, इसके बारे में मैं आपको बताया। अगर आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा जानकारी चाहिए, TWR एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं।